माहौल मतलब मोहल्ला हो कोई भी हो, हमेशा हमें चाहिए कि हमेशा माहौल जो है वो साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। और दूसरों की नहीं है, हमें चाहिए कि आप खाए पिए ऐस करें। सफाई रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज लग जमे लग सकते हैं, टेमेटोरीजी वगैरह हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। इससे मालूम पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि जो ये प्लास्टिक होता है ये कभी पिघलता नहीं, मतलब ऐसे ही रहता है, हमें डस्टबिन में जाना चाहिए। आज का प्रोग्राम हम क्लीननेस अवेयरनेस प्रोग्राम था कि जो लोग हैं कि उनको चाहिए कि क्लीननेस अवेयरनेस के बारे में जानकारी देनी थी कि कैसे साफ सुथरा माहौल रखना है। ये टूरिस्ट डेस्टिनी है, यहाँ हर कोई लोग आता है। यहाँ शुपियन में आप देखिए, हम टूरिज्म शुपियन द्रोपदम पीर की गली से हैं, तो आप देखेंगे हमने एक शुपियन में एक पार्क में यहाँ ह्यूज रश होता है सैटरडे संडे, लोग आते हैं यहाँ, तो आधे लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी गंदगी डाल के चले जाते हैं। आज हमने अवेयरनेस कैंप इसलिए डाला कि आप आइए यहाँ पे, ठीक है जो भी है, तो लेकिन अपने माहौल को साफ रखिए, जो भी आप अपने साथ चीज़ें लाते हों उनको प्रॉपर डस्टबिन में आप इस्तेमाल करिए। डस्टबिन रखें, हमें जगह जगह पे डस्टबिन रखिए, क्योंकि कल अगर आज कोई पार्टी आई है कल दूसरी पार्टी आएंगे, वो अपना गंदा माहौल देखेंगे, पार्क गंदी है, तो इसलिए यहाँ लोगों का आना है, ये डस्टिनी है, यहाँ हर कोई लोग आ सकते हैं, बाहर फॉरनर भी आ सकते हैं, इंडियन भी आ सकते हैं, तो खासकर यहाँ पर स्कूल बच्चों के पिकनिक हमेशा रहते हैं, इसलिए हमने ये अवेयरनेस कैंप रखा। हमने आज स्कूल बच्चों को भी बुलाया, म्यूनसिपलिटी को भी बुलाया, उनकी बदौलत से हमने यहाँ सफाई का ड्राइव रखा और बच्चों को भी समझाया कैसे ये साफ़ सुथरा माहौल हम रख सकते हैं, कि घरों में भी रखना है हर जगह। अगर किसी जगह कीचड़ देखोगे, ये नहीं सोचना कि मेरा कीचड़ नहीं है तो मैं नहीं उठाऊँगा, हर कोई वो ऐसा करे, पहल करे, ताकि दूसरों को लगे कि इसने पहल किया कि ये कीचड़ उठाया, मुझे भी चाहिए कल किए, इसलिए अवेयरनेस कैंप चलेगा तो इंशाल्लाह हर किसी में शऊर आ जाएगा।